आज ना चबड़िया। यस नो मे बी कुछ भी नहीं। मालूम है यार तुम्हारा भी बढ़िया नहीं होगा क्योंकि मेरा भी नहीं है। भाई साहब सही बोल रहा हूँ, हम दोनों की ज़िंदगी कुछ अलग नहीं है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, टेंशन। तुम्हारी लाइफ में एग्ज़ाम, जॉब, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी लाइफ की टेंशन, व्यूज़ नहीं आ रहे, बैंक बैलेंस, कॉमन चीज़। दोनों के पास अकाउंट है बट बैलेंस दोनों में से किसी के पास नहीं। गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं। तुम भी मुठल और मैं नहीं। चल बट एक चीज़ के लिए तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि एक चीज़ है जहाँ तुम मुझसे आगे हो ना, उसमें नहीं। क्योंकि तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है और मेरे पास कुछ भी। विशाल और शाह, इतने बड़े बड़े नाम है तुम्हारे, एक रिक्वेस्ट नहीं सुनी जा रही तुमसे। पाप लगे तुम्हें। और साले तुम भी हरामी हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और वेट कर रहे हो कि आएगा वो वाला चैनल तो चलेगा। अरे नहीं आया तब सेकंड में फॉलो करना मेरे भाई। मतलब लिटरली हर दिन ना केजरीवाल झगड़ा मेरे अंदर का, तो करो ना, करो। नहीं अबे करो, मतलब फॉलो करो। कोरोना वायरस नहीं, हरामी आदमी और तुम। ना 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 तुम हरामी नहीं हो, तुम्हें लगता तुम हरामी बट हो नहीं। तुम सबसे बड़ा हरामी पता कौन है? केकेआर। अबे वो केआर की है, केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स है। समझ गए ना तुम, समझ गए ना। स्लिप ऑफ टंग हो जाता बहनचोद, क्या दिक्कत है तुमको? चुप। भाई ने ट्वीट किया कि अल्लाह ने मुझे मर्द बनाया तो मैं हॉट लड़कियों को चुम्मा चाटी करते हुए देखूं, मैं आयुष्मान को एक अगली बंदे को चुम्मा करते हुए क्यों देखूं? मेरे को प्रॉब्लम नहीं। हाँ, होमोफोबिक बंदे हैं बहुत सारे ऐसे, बट मेरा क्वेश्चन ये है, ये अल्लाह नाम का बंदा कौन है? क्योंकि मुझे तो लग रहा था तुम्हारे डैड ने, तुम्हारे डैड के XY क्रोमोसोम और तुम्हारी मॉम के XX क्रोमोसोम मिलके कुछ हुआ था। नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ, कुछ तो अलग हुआ इसके सामने, तभी इतना चूतिया पैदा हुआ बहनचोदी। और भाई तू ना देखे तो भी चलेगा क्योंकि हमने भी देशद्रोही नहीं देखी थी। क्या बात, क्या बात, मजा आया। बट भाई साहब कुछ भी, हम कितना भी मजाक उड़ा ले KRK का, हमारा हक नहीं बनता इसका मजाक उड़ाने के लिए क्योंकि इसके पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए सिवाय इसकी सोच के। बहुत हार्ड क्या? पर सच में हम लोग ना KRK को कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि भाई के पास पैसा है हमसे तो ज्यादा। ये साले जीरो बैलेंस वाले हम लोग का पाप लगे, इसके पास इतना पैसा कि भैंस अगली शक्ल के बाद भी देख रहे हो, मैं अगली, मैं इसको अगली बोल सकता हूँ, इतना अगली। इसके बाद भी लड़के ले जाता, हमसे साला कोई फ्लर्ट तक नहीं करता बे। लड़के मैं सही कह रहा हूँ, एक बार करके तो देखो प्यार भरी बातें। मैं तुम्हारी बातों में ना हूं ना तो कहना। अरे मैं बहुत जल्दी फिसलता हूँ। भाई साहब उम्र निकलते जा रही है, ये मत बोलना सख्त बन। अबे नहीं भाई मेरा टाइम निकल चुका सख्त बनने का। चाओ बे साला, मेरे को लग रहा है मैं वीडियो कम बना रहा हूँ, अपने रिश्ते की बात ज्यादा करता हूँ। अरे कोई है पटने को मित्रों? नहीं। और एक मिनट हो, मेरी हालत पे हंसने वालों ज्यादा खुश मत हो। भाई साहब किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, आज जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, कल को मेरी बीवी भी हो सकती है। क्या बात, सही बात है। सारे सिंगल लौंडों के दिमाग में ना उम्मीद जग गई होगी, भाई मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड बड़ी हॉट है, चांसेस तो है मेरी बीवी बनने के। चल बे अबे साले। और न्यूज में कुछ भी आ रहा है यार, सुना कल तक सोनभद्र में कितने टन का सोना मिल गया। 24 घंटे के बाद वो टन से सीधा 160 किलो हो गया। और जब 160 हुआ तब न्यूज ही खत्म हो गई। जब टन था तो ओहो टन टना टन 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 सारा। और ना ना मैं उनमें से नहीं था जो वाह मोदी जी बात करने लग जाए पहली बार सुनते हो, क्योंकि मुझे ये जगह पता है सोनभद्र। देखो जस्ट इनके तुम सोनभद्र से हो ना, अपने कान बंद कर लो। सोनभद्र के लोग हरामी है। मुझे कैसे पता? क्योंकि टैटू वाली गर्ल भी वही से थी, सोनभद्र। चल अभी जब मैंने कहानी बताई थी ना, मेरी कहानी में मुझे याद नहीं आ रहा था कहाँ यूपी का कौन से गांव में थी। फिर ये न्यूज पढ़ी तब अच्छा यही तो है। सही है बहन, सारे धोखेबाजी हैं। देखो ना, अन की बात करी गोल्ड में आया क्या 160 किलो, बात करी लाइफ टाइम के लिए आया क्या, नहीं एक्चुअली बहुत कुछ आया था। कौन बोला? मैं नहीं बोला। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे एक मिनट को जज नहीं कराया मुझे, मैं बुराई कर रहा हूँ एक लड़की के चक्कर में पूरे शहर की या गाँव की। बाहर में जाओ। भाई साहब सच्चा आशिक निकाला था तेरे भाई के अंदर का, बड़ा डबल मीनिंग साउंड हुआ मुझे। मैं इकलौता ठरकी हूँ या तुम्हें भी डबल मीनिंग साउंड हुआ था वो लाइन? मुझे बताना जरूर। ए क्या पीटा हुआ आशिक साउंड कर रहा है भेड़ के आँख। कॉमेडी देना, मजा दे मजा। क्या मजे तू? ब्लो जॉब दे तू तेरे को मैं, हैं? या मैं अपनी ब्रा दिखाऊं? क्या दिखाऊं तेरे को? क्या देखना? ले ले ले। साले मोबाइल में देख रहा है, हिला ही सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। मुठल जा, हिला के सोचा नहीं दे रहा मैं। तुम्हें लग रहा है मैं रो रहा हूँ? टिकटॉक देखा तुमने? टिकटॉक में कुछ भी चल रहा है भाई साहब। अलग ही लेवल है भाई साहब, अलग ही लेवल है। मैं बता रहा हूँ नेपाल का गांजा इतना नशा नहीं देता होगा जितना टिकटॉक वाले कर रहे हैं। सही बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं 2 दिन से टिकटॉक पे हूँ, वहाँ पे भाई साहब मेरे को दिमाग खाना, क्या कर रहे हो ये। मतलब पहले दिन ना मैं 4 घंटे टिकटॉक पे बैठा देखने के लिए क्या चल रहा है, और 4 घंटे बाद मुझे एहसास हुआ ये टिकटॉक पे लौंडे रोते क्यों रहते हैं। अरे भाई कितना काटा है, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, हैप्पी सॉन्ग में रो रहे हैं आज मेरे यार। यार के साथ तो खुश होना, तेरी वाली से हो रही है क्या? अच्छा तेरी वाली से हो रही है, पाप लगे तुझे। फिर 1 घंटा और बीता, अब फिर मुझे एहसास हुआ लड़कों से ज्यादा नशाना लड़की करके बैठी हुई है। वो लड़कियों वाले गाने पे तो रो रही है, वो लड़कों वाले गाने में भी रो रही है। आवाज लड़के की, रो लड़की रही है, लिपसिंग लड़की कर रही है। अगर इतना ही रोना आ रहा है तो रूम में बैठ के हिला, रो, जो करना कर, जो बहाना बहा, फिर आना वीडियो बनाने। अरे सही बोलो भाई साहब, सब अलग लेवल पे हैं। तो आज मैं कुछ लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा टिकटॉक से, अपने गुरुदेव टोनी कक्कड़ का आशीर्वाद देते हुए। क्योंकि पहली वीडियो उन्हीं की है, तो मैं कॉपीराइटेड म्यूजिक नहीं बजाऊंगा। तो गाना है तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के, और इसके बाद ये लोग फ्रीज हो जाते हैं इसी जगह पे। और फिर ये जो है ना टुनटुन का भांजा, ये बोलता है अगर आपको लग रहा है कि आपकी नेट की स्पीड स्लो है तो नहीं, ये गाना ही ऐसा है। तो भाई तब इतना क्यों खींच रहा है, बोल दे टट्टी है। तुम 5 लोगों में से 2 लोगों ने तो कलर भी वही पहना हुआ है। और ये गाना किसने लिखा है, पहले ये गाना किसका है मुझे बताओ, ये गाना मैंने सुना नहीं है। अगर ये टोनी भाई का गाना है या किसी का भी गाना है, प्लीज कमेंट करके बताओ ये गाना क्या है। मैं 2 लाइनें सुनी है मैंने, तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के। अबे रोमांटिक सॉन्ग है, किडनैप करने वाला है। तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के, चल वैन में बैठ, ओमिनी में बैठ तू, ए इसके बाप को कॉल कर रैंसम के लिए। फिर लड़की को खींच के कॉल ले जाता है, तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के, क्यों? बात कर ले, क्या पता खुद ही चलने को तैयार हो जाए। अरे मान लिया तू भी डेस्परेट है, हमसे ज्यादा थोड़ी होगा, हम नहीं कर रहे यार ये हरकतें। तो तुझको ले जाऊंगा मैं खींच के, अरे तू ये खींच, तेरा भी भला हो जाएगा मेरा भी हो जाएगा, तेरा खींचना भी हो जाएगा मेरा काम भी हो जाएगा। कौन बोला? चलो मैं अभी ना एक और ट्रेंड है कि ये हर फनी वीडियो में ये करना जरूरी होता है क्या? बेबी ये फोन काट के रखना। भाई साहब मैं इसको मच बेटर बना सकता हूँ। और 1 मिनट, किसको चूतिया बना रहे हो? उसने बोला काट के रखो, दांत से दबा के रखने के लिए नहीं बोला। अबे ओ चुड़ैल अपने दांत निकाल ढंग से, फोन कटा हुआ नहीं है कहीं पे भी, काटना है तो ढंग से काटो। बेंचो चूतिया तो काट ही रही है उसका। कौन बोला? मैं नहीं बोला, मैं नहीं बोला। मजबूर ना थी फिर भी धोखा किया तूने, नफरत को अब मेरी सुबह शाम देखेगी। लौड़े जब धोखा कर दिया, इसमें इंटरेस्ट नहीं था उसे तुझमें, अब तू नफरत कर, गुस्सा कर, गान मरवा, वो नहीं देखने आएगी। और चूतिए ये करने वाले को तो मैं भी देखने नहीं आऊंगा। नफरत का मैं क्यों देखूं यार? अगर मेरे को देखना ही होता तो जब मैं मजबूर नहीं थी तो धोखा क्यों करती? अरे कट गया चूतिए लाउडू। सच में टेढ़ी लुल्ली वाला ही, इसको अभी तक समझ में नहीं आया। मजबूर नहीं थी फिर भी धोखा किया ना, तो तेरा नफरत देखने क्यों आएगी? पागल। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, इस वीडियो को देख के ना दिल से आवाज आई थी, ओ भाई मारो, भाई मारो 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 मुझे मारो। अरे भाई मैं सारे मीम लगा सकता हूँ इसके बाद। तो तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। Why are we still here? मेरे ही अपना हूँ, मेरी भांचोद। अगर मैं अपने घर वालों के सामने ऐसी हरकतें करूंगा ना, वो एक्चुअली मेरी कोई जरूरत नहीं समझेंगे। निकल लौड़े, मैं बता रहा हूँ मेरे डैड के अंदर से हिंदुस्तानी भाव निकल जाएंगे। अबे साले Just to suffer। मैंने आज तक नहीं आया सपने खूबसूरत। ओह क्या लाइन लिखी है बी प्रात, भाई तेरे से तो बड़े मजे लूंगा एक दिन। अभी नहीं बाद में। ऐसी शक्ल के साथ तुझे डरावने सपने भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है बहन की यार। और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कौन से खूबसूरत सपने चाहता है। X-Videos 2 का नाम नहीं सुना? अगर खूबसूरत सपने नहीं आ रहे तो देख लेना भाई, 4 क्लिक डाउनलोड भी होगी फ्री में। क्या बात कर रहे हो। एक और ट्रेंड चल रहा है जिसमें पता नहीं वो बंदे अपनी ब्रा दिखाना चाह रहे हैं, बट ब्रा पहनी भी नहीं होती उन लोगों ने, और फिर ये करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। देखो देखो देखो। Why are we still here? Just to suffer every night. कोई इसके माँ बाप को दिखाओ ये चीज। गांडू इसलिए पढ़ाया था तेरे को, ए बादरचोद। अच्छा सॉरी। अरे सॉरी सुमन, देख नहीं रहे क्या कर रहा हंगामा। इतना पैसा खर्च किया तेरी पढ़ाई पे, साले अगली दिखने वाले। लड़की पहले ही हानि कर रही, अब ये भी देखने को रह गया था। ये देखने से पहले मैं तू मर क्यों नहीं गया? तो मैं क्यों मरूं? Why are we still here? Just to suffer. मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टिकटॉक कर रही है या कोकेन सूंघ रही है। अबे तो गाना गा ले यार। अबे लिपसिंग करनी होती है। नहीं नहीं पहले गांजा करने तो कोक सॉरी गांजा नहीं है महंगा वाला यार। जो भी गा रहे हो गाने गाते रहो ओए। आई मीन सीरियसली सब जोक्स हैं। मैं किसी को ऑफेंस नहीं देना चाह रहा या हेट नहीं देना चाह रहा। आई लव देम एक्चुअली। आई डोंट लव देम बट आई लाइक द कॉन्फिडेंस दे हैव। इतना अंग्रेजी काफी भाई बट जेन्युइनली मुझे बहुत सही लगता है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जितना एफर्ट्स ये लोग डालते हैं। एंड ऑल्सो मैं भी टिकटॉक पे हूँ। कुत्तों की जिंदगी। अबे ओ मीम यूज नहीं कर रहा। मेरी यूजर आईडी है फॉलो मी ऑन टिकटॉक @ कुत्तों की जिंदगी। So guys, ये एपिसोड इनकम करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन सब्सक्राइब द चैनल और मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में इस चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हुए संडे स्ट्रीम। हाँ महीने में 2 बार बोला था तो एक पहले क्या था एक अब करेंगे। सो अगर फ्री हो तो ज्वाइन में एंड मस्ती करेंगे पार्टी करेंगे बॉयज। सो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में तब के लिए मेरा ज्ञानी 2.0 करता हूँ मैं डेली वीडियो ऑडियंस को कहता ब्रोसेना डिटर्जेंट में फेन। आज का क्या जिंदगी में हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करो उन्हें आजमाने की नहीं। ट्रू स्टोरी ब्रो। खुश रहोगे।